अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बुखारे की चटनी, ठीक है, जो कि अक्सर आपने शादियों में बहुत मज़े से खाई होगी। आज मैं लूँगी उसके लिए एक पाव आलू बुखारा, ठीक है, जिसको मैंने धो के अच्छे से भिगो लिया है 2 कप पानी में। इसके अलावा मैंने लिया है एक जो है 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून लिए हैं 4 मगज, और 1 ही चुटकी ली एक 1.5 चुटकी लिया है मैंने काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 4 टेबलस्पून लिया है सिरका, 2 कप लिया है चीनी, और 15 से 16 अदद लिए हैं बादाम, जो कि मैंने सेंटर से हाफ कर लिए हैं। व्यूअर्स, अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया और उसमें मैं आलू बुखारा जो मैंने रखा था उसी पानी में डाल दूंगी और इसको पकाएंगे अच्छे से जब तक कि इसका उबाल ना आ जाए या पक ना जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब पानी को जैसे कि उबाल आ गया, तो अब हम इसमें अपनी शुगर यानी चीनी ऐड करेंगे जो 2 कप ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा है कि चीनी जो है वो पकने लग गई है, तो गाढ़ी हो गई है और फूलने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, लाल मिर्च का पाउडर, एक चुटकी तकरीबन काली मिर्च, थोड़ा सा नमक 1 चुटकी, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून 4 मगज और इसको अच्छे से पकाएंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे अपने बादाम। अच्छे से इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। लोग अक्सर इसमें जो है वो रेड फूड कलर ऐड करते हैं, लेकिन जो कि वो हेल्दी नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच अच्छे से इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो व्यूअर्स, जैसे कि ये अब जो है गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे अच्छे से पकते ही। ये कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है इसका। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी जो है ये आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार कर ली है और इसके ऊपर जो है सिल्वर फॉइल यानी कि चांदी का वर्क भी लगा लिया, और इससे कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। इसको जरूर आपने ट्राई करना है। वाकई आप मुझे दाद जरूर देंगे ट्राई करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इसको जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, ताकि आपको मेरी वीडियोज मिलती रहे।